हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का समय है और मौसम देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी ही आज, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। तो मैं यहाँ पर अपने पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम यहाँ पर मैं बैठती हूँ उनके साथ, मतलब तो बस वही। और यहाँ पर ना मेरे पास एक ही प्लांट है रोज़ का, तो देखिए इसमें फूल खिले हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और 3 से 4 दिन हो गया है इसे खिले हुए, लेकिन फिर भी अभी पंखुड़ियाँ हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं, बस इतने ही प्लांट हैं जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ यहाँ पर फूल के पौधे हैं ना, ये ठंड वाले हैं जो ठंड में खिलते हैं, और ये कंटिन्यू खिल ही रहे हैं। जब हम अगस्त से लगाए हैं ना, तब से ये अच्छे फूल इसमें आते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास ये एलोवेरा का प्लांट है जो कि बहुत पुराना है, लेकिन इसमें नए नए प्लांट आ ही रहे हैं नीचे से। और इसको मैं कट नहीं करती हूँ ना, तो ये सूखने लगे हैं, इसका टिप देख रहे हैं आप। और ये इसका तना है, बहुत लंबा सा दिख रहा है। तो बस मैं थोड़ी देर इनके साथ रहती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। और आज मैं बनाई हूँ नाश्ता फरा का, क्योंकि ये सीजी स्पेशल है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बनता है ये और अच्छा भी लगता है खाने में। तो बस इसे ही आज मैं बनाई हूँ नाश्ते में। और ये पहले भी मैं ना किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं नाश्ता देती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो अभी जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, तो बस उन्हीं को अभी नाश्ता देना है मुझे। वैसे रेडी हो चुके हैं वो तो, और मैं भी ना नाश्ता कर ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह ऐसा नहीं है कि मुझे मैं सुबह सुबह उठ के नहा लेती हूँ, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत काम होते हैं घर में सुबह सुबह का। हर घर में जैसे होता है ना वैसे ही, तो क्लीनिंग का भी काम होता है, तो फिर मैं ना नाश्ता भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर दिशु को उठा रही हूँ, देखिए दिशु ना उसको पता है कि मैं कैमरा लेके आई हूँ, तो वो ऐसे मुँह छुपा रही है, और थोड़ी देर में ये भी उठ जाएगी। और यहाँ पर मैं फिर इनको नाश्ता देने के बाद, और मैं भी नाश्ता कर ली हूँ, उसके बाद ये कपड़े रखे हुए थे जो मौसम ठीक नहीं था ना, बारिश मतलब बादल बादल वाला, तो कपड़े एक ही दिन में नहीं सूखे, तो 2 दिन लग गया था इसको। तो अभी मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी, तो इनको मैं यही बोल रही हूँ कि अपने कपड़े आप फोल्ड करिए, क्योंकि इनके पास अभी 5-6 मिनट टाइम है इसलिए। और जतिन भी नहा के आ गया है, तो वो भी, उसको भी अभी मैं नाश्ता दूँगी। तो इसका एग्ज़ाम चल रहा है, अब हाफ ईयरली बोलूँगी या क्या, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, तो जो भी एग्ज़ाम है वो अभी हो रहा है। और अभी राहुल जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, और यहीं पर सब्जी वाला आया था ना, साग वाला, तो वहाँ से मैं ले ली थी। और ये बथुआ का साग है जो पालक से भी ज़्यादा अच्छा होता है, कहते हैं इसे कि इसमें आयरन उससे ज़्यादा होता है, तो और मुझे भी अच्छी लगती है ये साग इसलिए। और जतिन नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, तो बस वही साग आज मैं बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पर बारिश होने भी लगी है, तो एकदम धीमी धीमी बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शायद आप लोग देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ना हल्की हल्की बूंदें आपको दिख रही होंगी, तो बस इसी तरह की बारिश हो रही थी। और रात में भी हुई थी, इससे पहले रात हुई थी ना, उसमें भी बारिश हुई थी। और दिशु अभी उठ गई है, तो उसके लिए मैं अभी पोहा बना रही हूँ, क्योंकि फरा बनाई थी तो मैं अपने हस्बैंड को भी उसी को ही टिफ़िन में दे दी थी, तो नहीं था उसके लिए, तो मैं उसको अभी पोहा बना कर दूँगी। तो वो पोहा वैसे भी उसको पसंद है, तो बस उसे मैं बना के दे दूँगी अभी। और उसके बाद फिर मुझे बहुत काम है, वही क्लीनिंग का ही काम होता है ज़्यादा तो सुबह सुबह, तो बस वो काम मैं करूँगी और उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। और उसके बाद अभी मैं नहा के आ गई हूँ, तो बस थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पर जो साग मैं साफ़ करी थी ना, जो आप लोगों को दिखाई थी, तो उसके जो रह गए थी कुछ पत्तियाँ और कुछ उसके डंठल रह जाते हैं ना, तो मैं उनको गाय के लिए रखती हूँ, तो हरा हरा होता है तो अच्छा रहता है गायों के लिए, तो मैं उनके लिए रखती हूँ। तो अभी मुझे दिखाई दे गए, तो बस उन्हें मैं अभी दे दूँगी गाय को, अच्छा लगता है। और गाय ना कभी जब हम रोटी या कुछ बनाएं और देखते हैं ना, उस समय तो नहीं मिलते हैं, तो बस अभी दिक्कत में दे दी। हेलो, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 1:45, तो टाइम हो जाता है घर का काम करते हुए, हो ही जाता है टाइम। और अभी जस्ट नहा के नहीं आई हूँ, मुझे आधा घंटा लगभग हो ही गया है, तो
और नहा के आने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। आप लोग सोचते होंगे जब भी मैं दोपहर में ब्लॉग शूट करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे भूख लग रही है। तो हाँ, टाइम ही हो चुका होता है ना खाना खाने का, और नहाने के बाद आकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक बार। और मैं क्या बनाई हूँ आज, तो आज मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैं साग बनाई हूँ और चटनी बनाई हूँ, तो चलिए वो भी दिखाऊंगी। और ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ ना, ये बहुत पुरानी साड़ी है और ये ना अच्छी लगती है, बहुत सॉफ्ट है, जॉर्जेट सिफॉन मिक्स होगी ये, मुझे एग्जैक्ट मटेरियल नहीं मालूम इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है ये। और ये जो बॉर्डर है ना, ये थोड़ा सा रफ जैसे है, रफ मीन्स थोड़ा ये हाथों में ऐसे आता है, सॉफ्ट नहीं है ये, तो इसकी वजह से ना साड़ी नीचे से धागे जो है खींच गए हैं, तो इसलिए ये साड़ी थोड़ी सी खराब हो गई है धागे खींचने की वजह से, वरना ये बहुत अच्छी है। और ये जो कलर है ना, पिच कलर, ये बहुत पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को भी ये साड़ी पसंद है, तो इसलिए भी मैं आज पहन ली हूँ। तो घर में रहने से चलता है कि कुछ भी पहन लो, थोड़ी बहुत ख़राब भी है तो चल जाता है। और कल मैं बाल धोई थी तो बाल बहुत ही सिल्की लग रहे हैं मेरे, मेहंदी लगाने के बाद जब धोने से ना यहाँ इसी तरह से अच्छे हो जाते हैं बाल, तो अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं। मैं कंडीशनर नहीं लगाई हूँ, उसके बाद भी बहुत अच्छे हैं, और कल धोई हूँ फिर भी अभी भी अच्छे लग रहे हैं बाल मेरे, तो मेहंदी से हो ही जाती हैं ठीक। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता चल रहा है, फील हो रहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। और चलिए फिर खाना खाते हैं, और उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाई हूँ आज। तो ये है बथुआ का साग जिसमें मैं दाल ऐड की हूँ, और ये है चटनी टमाटर का कट करके मैं बनाई थी, क्योंकि जतिन जो है ना हरे पत्तेदार सब्जी वाली साग नहीं खाता, तो बस इसलिए। और चलिए मैं खाना परोस लेती हूँ, और जतिन और मैं खा रहे हैं, और दिसो यहाँ पर ना मुझे कुछ बात बता रही थी तो मुझे वही हंसी आ रही थी थोड़ी। और फिर मेरे हस्बैंड जो सुबह से गए थे ना ड्यूटी, तो अभी वो शाम को 6:15 बजे आए हैं, तो वही फ्रेश होकर बैठे हैं यहाँ पर। और मैं दोपहर में खाना खाने के बाद कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जतिन की दोस्त है ना, उसकी मम्मी आ गई थी, तो बस उन्हीं के साथ बात करती हुई बैठी थी, और फिर थोड़ी देर में आराम की, तो बस इसलिए। और यहाँ पर वही बता रहे थे कि वो क्यों नहीं आ पाए थे, कहाँ गए थे, किस काम से, तो वो सब बातें हो रही थी यहाँ पर। और फिर दिसु यहाँ पर चाय बना कर ले आती है, तो बस। और शाम का समय है और जो मौसम है ना ठंड वाला, तो ऐसे मौसम में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है शाम के समय, और सुबह दो ही टाइम तो हम पीते हैं, तो वही। और फिर वही मैं बात बता रही थी कि वो आई थी तो क्या बोल रही थी, और फिर ये भी बता रहे थे कि क्यों नहीं आ पाए थे, बस यही बात हो रही थी। और बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही सिंपल है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और इसके बाद मिलेंगे हम और अच्छे से किसी व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।